आपको त्योहारों की शुभकामनाएं। त्योहार के अवसर पर हम तैयार होकर आए हैं, आप भी तैयार होकर खुशियों में शामिल हो जाइए। नमस्कार, मैं हूं दीपक यादव और चलते हैं शो की ओर। देश भर में धनतेरस की धूम है, बाजार में चहल पहल और रौनक देखते ही बन रही है। एक तरफ जहां लोग जमकर सोने चांदी और आभूषणों की खरीदारी कर रहे हैं, वहीं नई कार और बाइक खरीदने के लिए शोरूम में लोगों की लंबी कतारें लगी हुई है। यही हाल कमोबेश होम अप्लायंसेज और इलेक्ट्रॉनिक्स के दुकानों पर भी देखा जा सकता है। ऐसे में धनतेरस के खास मौके पर हम लेकर आए हैं खास शो, धनतेरस का त्योहार धूम मचाते बाजार। तो चलिए, धनतेरस की धूम पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे चार सहयोगी। मुंबई से ज्वेलरी शॉप से जुड़ रही हैं एकता सूरी, मुंबई के कार शोरूम से जुड़ रहे हैं सौरभ पांडे, दिल्ली से जुड़ रहे हैं अनुवेश रथ और ज्वेलरी मार्केट कोलकाता से जुड़ रही हैं पूजा मेहता, और हमारे साथ हैं मृत्युंजय कुमार झा जो कि ज्वेलरी मार्केट में हैं और पल पल का जायजा ले रहे हैं, आपको अपडेट दे रहे हैं। तो सबसे पहले मृत्युंजय के पास चलते हैं। मृत्युंजय, जिस तरह से अभी हम लगातार इस कवरेज को बनाए हुए हैं, धनतेरस का जो मूड और माहौल है, बाजार जिस तरह से काफी सालों बाद ये जो रौनक दिख रही है वो आज से पहले शायद इतनी शानदार नहीं थी जितनी इस बार दिख रही है। आपने काफी कुछ बताया और आप भी बताइए कि इस बार सोने चांदी और डायमंड को लेकर, तरह तरह की ज्वेलरी को लेकर किस तरह का मूड माहौल है, बाजार में क्या कुछ नजारा देख पा रहे हैं? बिल्कुल दीपक, और देखिए जो मूड माहौल मैं आज सुबह से टटोल रहा हूं उससे ये लग रहा है कि इस बार की बिक्री लास्ट ईयर के मुकाबले काफी अच्छी रहने वाली है। इसके बावजूद कि लास्ट ईयर के मुकाबले गोल्ड के दाम 10,000 रुपए ज्यादा हैं, और जब मैं ज्वेलरी बाजार आया हूं तो यहां पर तो मैं आपको बता नहीं सकता, मतलब मैं आपको तस्वीर दिखाऊंगा अभी, पैर रखने की जगह नहीं है दीपक। और मैं ये बात बार बार कह रहा हूं कि ज्वेलरी बाजार आप आ जाए और यहां से ज्वेलरी खरीद कर लौट जाए तो आप समझिए कि आप बहुत खुशकिस्मत है, मतलब इतनी जबरदस्त भीड़ है। यहाँ पे हमारे साथ अंकित है। अंकित, आप ज्वेलर हैं, आप जरा बताइए अब तक जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ अभी तक का रुझान क्या है बाइंग का, ये जरा बताइए। बहुत पॉजिटिव है, इट्स वेरी मच बेटर, और लास्ट ईयर से बहुत बेटर है, लोग पॉजिटिव है। गोल्ड रेट्स का फर्क एक्चुअली लोगों को नहीं पड़ रहा है, वो दिख रहा है। और मेन फेस्टिवल है, ऑस्पिशियस डे है, तो लोगों को खरीदना है कॉइन्स, ज्वेलरी, सेट्स, एनीथिंग, दे जस्ट वांट टू बाय। एज ग्रुप मैटर नहीं कर रहा है, सब जो यंग है वो भी ले रहे हैं, जो एज वाले हैं वो भी ले रहे हैं, बट दे जस्ट वांट टू इन्वेस्ट समथिंग ऑन दिस ऑस्पिशियस डे, ये चल रहा है अभी तक। तो क्या उम्मीद कर रहे हैं लास्ट ईयर के मुकाबले सेल? मच बेटर, आई थिंक 1.5 तो हो ही जाएगा, बट लेट्स सी, लेट्स होप फॉर द बेस्ट। अच्छा, लास्ट ईयर के मुकाबले कितना ज्यादा ही होगा? डेढ़ गुना हो ही जाएगा। डेढ़ गुना हो जाएगा? हो जाएगा। क्या क्या दिख रहा है, कॉइन ज्यादा दिख रहा है, ज्वेलरी ज्यादा दिख रही? सब बिक रहा है, इनफैक्ट कॉइन वाले कॉइन ले ही रहे, जिसको कोई ओकेजन नहीं घर पे तो कॉइन ले रहे हैं कि इन्वेस्ट कर लेते कुछ, और जिनके बाद ओकेजन वो रुक रहे थे ये दिन के लिए, क्या अच्छा दिन है, धनतेरस के दिन है तो यहाँ से हम शुरू करेंगे, अगर घर पे कुछ वेडिंग होगा या कुछ ओकेजन होगा तो आज से खरीदी स्टार्ट करेंगे, तो वो भी है मोटिव। बिल्कुल बिल्कुल, जिस तरह से हम देख रहे हैं मृत्युंजय की जावेरी बाजार में जो लोगों का हुजूम है, जो ग्राहक पहुंचे हुए हैं, अभी आपने थोड़ी देर पहले जो तस्वीरें दिखाई कि लाइन में लगकर लोग सोना चांदी खरीदने के लिए पहुंच रहे हैं, बहरहाल पूरे देश में कुछ ऐसा ही नजारा देखने को मिल रहा है। मुंबई से ही हमारी सहयोगी एकता सूरी जुड़ी हुई है, एकता के पास एक बार वापस चलते हैं। एकता, क्या नजारा है इस बार आपके वहां, क्योंकि आप सुबह से डटी हुई हैं इस मार्केट में, आप भी, मृत्युंजय भी और हमारे तमाम रिपोर्टर्स धनतेरस की एक एक खबर हमारे दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं, तो अभी नई अपडेट क्या है, किस तरह का, क्या शाम बढ़ने के साथ ग्राहकों का हुजूम और बढ़ता जा रहा है या फिर थोड़ी रौनक कम होती दिख रही है, किस तरह का माहौल है? ऐसा तो हम बिल्कुल नहीं कह सकते कि रौनक कम होती दिख रही है, जो रौनक आपको शाम को दिख रही है वही रौनक यहाँ पर सुबह से है। मैं मुंबई के बांद्रा इलाके में हूँ जहाँ पर ज्वेलरी शॉपिंग के नाम पर हम बोल सकते हैं कि सॉलिटर्स की बिक्री बहुत ज़्यादा हो रही है, सोने से भी कभी कभार ज़्यादा महंगे पड़ते हैं सॉलिटर्स, और आप देख सकते हैं यहाँ लाइन से कस्टमर्स खड़े हैं, और मेरे साथ भी यहाँ पर कुछ कस्टमर्स हैं जो धनतेरस पर अपनी फैमिली के लिए गिफ्ट लेने आए हैं। आप बता रहे थे कि आप बहुत मोटे बजट के साथ आ जाइए। यस ऑफ कोर्स, पहली बात तो मैं सभी को हैप्पी धनतेरस कहना चाहूँगी, एंड मैं गहना शोरूम जो है यहाँ पे, मैं पिछले कई सालों से आ रही हूँ, एंड दिस टाइम मैं अपनी मॉम के लिए कुछ
स्पेशल गिफ्ट खरीदने आई हूँ. सो आई एम क्वाइट एक्साइटेड. मैंने बहुत दिन पहले ही लॉक करके रखा था कि हाँ मुझे यही पिक करना है, तो अभी मैं बहुत सारी चीज़ें यहाँ से पिक करके मेरी मॉम को गिफ्ट करने वाली हूँ. तो जैसा इन्होंने कहा लॉक करके रखा था, समझदारी वाला काम किया कि सस्ते में प्राइस लॉक कर लिया और अब धनतेरस पे शॉपिंग कर रही है. बहुत समझदारी वाला काम किया है. समझदारी वाली बात है, महंगा सस्ता यू नेवर नो कि पहले अभी सस्ता हो गया, पहले हमने पहले से ही यू नो महंगा लॉक कर दिया. इट्स जस्ट टाइम सेविंग. इमोशन की मैं यहाँ पर बात कर रही हूँ और समझदारी की. आई रियली वैल्यू आप अच्छे खासे बजट के साथ अपनी मॉम के लिए पेंडेंट और इयर रिंग सब गोल्ड डायमंड गिफ्ट करने के लिए आई है, लेकिन क्या बहुत से लोगों ने पहले बुकिंग की? हाँ जी, धनतेरस के पहले स्पेशली लोग 10 दिन पहले से आना चालू करते हैं और वीकेंड्स पे लाइक सैटरडे संडे, लास्ट सैटरडे संडे उसके पहले वाले ईजियर हो जाता है क्योंकि धनतेरस के दिन बहुत रश हो जाती है, तो समटाइम्स वी आर नॉट एबल टू शो प्रॉपरली. धन तो काफ़ी बरस रहा है आज आपके शोरूम में और मेरे साथ यहाँ पर एक कपल भी हैं. आपने क्या शॉपिंग की? मैंने रिंग्स शॉप किए हैं. सो हम भी पहले ही देखकर गए थे और फिर अभी अपनी साइज़ की बनवा के वी गॉट इट नाउ. इट्स नाइस. ओके, और आपने गिफ्ट दिया है कुछ, आपने अपने लिए शॉपिंग की है? नहीं नहीं, मैंने सिर्फ अपनी वाइफ के लिए शॉपिंग की है. अच्छे खासे आपने लाखों खर्च किए आज. हाँ, 10 लाख के ऊपर खर्चा हो गया. 10 लाख के ऊपर खर्चा. दीपक, ये यहाँ पर पहले कस्टमर नहीं है, ऐसे बहुत से कस्टमर्स आए हैं जो कह रहे हैं धनतेरस है तो आज जो धन खर्चना भी है वो भी पूरी तरह से दिल खोल कर खर्चना है. सोने का दाम कहीं पर भी जाए, चांदी का दाम कहीं पर भी जाए. बहुत से शॉप्स में हमने देखा है कि कॉइन्स की सेल बहुत ज़्यादा हो रही है, लेकिन मैं जो देख रही हूँ सुबह से वो ये है कि सॉलिटर्स की सेल बहुत ज़्यादा हो रही है. सोने और हीरे की जो चमक है वो लोगों के चेहरों पर दिख रही है. आप देख सकते हैं कि कितनी खुशी है, आफ्टर ऑल हस्बैंड ने अच्छे खासे डायमंड्स गिफ्ट किए. तो दीपक, मैं यही कहना चाहूंगी कि धनतेरस पर धन दिल खोल कर लोग खर्च कर रहे हैं, त्योहार है इसलिए हैप्पी धनतेरस. हैप्पी धनतेरस टू ऑल. और यहाँ पर धनतेरस पर धन बरस रहा है, लोग सोना चांदी हीरे जवाहरात जो जिनकी जैसी वक़्त है वैसे वो ले रहे हैं और बहुत शानदार मौका है. बाजारों में बड़ी शानदार रौनक देखने को मिल रही है. एक बार हमारे सहयोगी सौरभ पांडे के पास चलते हैं क्योंकि जाहिर तौर पर धनतेरस पर सिर्फ सोना चांदी ही नहीं लोग खरीदते हैं, गाड़ियां भी खरीदते हैं, घर भी खरीदते हैं और भी दूसरी चीज़ें बहुत ज़्यादा खरीदते हैं. तो सौरभ, गाड़ियों का जैसा कि हमने देखा सुबह से आप भी डटे हुए हैं, अलग अलग शोरूम का आपने जायज़ा लिया, लोगों से बातचीत की, नई नई गाड़ियां निकल रही हैं, लोग लंबे समय से वेट कर रहे थे इस दिन का कि धनतेरस आए और हम अपनी गाड़ी लेकर अपने घर आएँ. तो अभी क्या मूड और माहौल है, लोग किस तरह से पहुंच रहे हैं, किस तरह की गाड़ियां ज़्यादा बिकती हुई ट्रेंड में दिख रही हैं, व्यापारियों का क्या कुछ कहना है ज़रा बताइए. जी बिल्कुल, जिस तरह से देश भर में आज सुबह से धनतेरस का पावन पर्व मनाया जा रहा है, इसी क्रम में जो है लोग बर्तन से लेकर सोने चांदी तक खरीद रहे हैं. और यहाँ पर हम मौजूद है, जो लोग यहाँ पर आए हुए हैं वो सीधा अपनी कार की डिलीवरी लेने आए हैं. मैम, हम आपसे समझना चाहेंगे आज आपने कार खरीदी है, कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है, ऑब्वियसली बहुत अच्छा लग रहा है. और ये मेरे हस्बैंड का सरप्राइज था मेरे लिए जो मुझे पता नहीं था, तो इट्स रियली नाइस. अगर अब बात की जाए परिवार में, तो बड़े बुजुर्गों के आशीर्वाद के बगैर जो होता है कोई पर्व नहीं मनाया जाता. सर, आपके मायने में ये पर्व जो है कैसे देख रहे हैं आप? ये पर्व बहुत अच्छा पर्व है. दिवाली का पर्व जो है 5 दिन का मनाया जाता है, जिसकी शुरुआत आज धनतेरस से की जाती है. आज मेरे बेटी दामाद ने एक गाड़ी अभी डिलीवरी ली है, मैंने अपने बेटे और बहू के लिए गाड़ी आज बुक करी है. तो ये पर्व हमारे लिए इसलिए मायने रखता है क्योंकि 5 दिन का फंक्शन जो है हमारा बहुत अच्छा रहता है, उसके लिए हम ये धूमधाम से इस पर्व को मनाते हैं. तो हम देख पा रहे हैं कि जिस तरह से जो है समय के बढ़ते बरसात यहाँ पर गाड़ियों की डिलीवरी भी जो है वो हो रही है और काफ़ी ढोल नगाड़े और ताशे के साथ जो है लोग यहाँ पर आ रहे हैं, अपनी गाड़ियों की डिलीवरी ले रहे हैं और ये जो धनतेरस का जो पर्व है वो मना रहे हैं. और यहाँ पर अगर बात की जाए गाड़ियों की, तो गाड़ियों के साथ साथ जो यहाँ पर खुशियाँ संजोने का जो तरीका है वो यहाँ पर लोग ले जा रहे हैं अपने गाड़ी के साथ साथ, ताकि आने वाले दिन में जब भी धनतेरस आएगा तो वो अपनी गाड़ी को देखकर याद करेंगे. धनतेरस के दिन लोग बहुत ही हर्षोल्लास के साथ इस त्यौहार को मना रहे हैं, बाजारों में निकले हुए हैं और आज की खरीदारी शुभ मानी जाती है. ये मुहूर्त शुभ होता है, ये दिन शुभ होता है और इस शुभ दिन में अपनी समृद्धि को, अपनी उन्नति को बढ़ाने का लोग प्रयास करते हैं. एक बार फिर से मृत्युंजय के पास चलते हैं. मृत्युंजय, ये बताइए कि जाहिर तौर पर धनतेरस का जो पूरा फोकस होता है वो ज्वेलरी मार्केट पर ही देखने को मिलता है, 2022 में किस तरह के आंकड़े निकल कर आए थे, 2022 के बाद 2023 में किस तरह की एक्सपेक्टेशन है व्यापारियों की कि कितना सोना बिकेगा, कितनी चांदी बिकेगी, या कोई आंकड़ा कोई निकल कर आया हो?
बिल्कुल बिल्कुल दीपक, देखिए अब शाम का ये ऑलमोस्ट 6:30 बजे का वक्त हो गया है और जब मैं यहाँ पर सदरी बाजार में मौजूद हूँ, मैं तमाम ज्वेलर से बातचीत कर रहा हूँ, कंज्यूमर से बातचीत कर रहा हूँ, तो उसको देखकर ये अंदाजा लग रहा है कि लास्ट ईयर के मुकाबले, हालांकि कुछ ज्वेलर कह रहे हैं कि 1.5 गुना बिक्री हो सकती है, कुछ ज्वेलर कह रहे हैं कि 20 से 25% ज्यादा बिक्री लास्ट ईयर के मुकाबले हो सकती है, लेकिन मोटा मोटी अनुमान ये है कि आपको करीब करीब 20% का इजाफा इस साल गोल्ड की और ज्वेलरी की बिक्री में देखने को मिलेगा। मैं जदरी बाजार में मौजूद हूँ, आप देखिए मेरे आसपास, आप भीड़ देखकर यह अंदाजा लगा सकते हैं कि बिक्री किस तरह से बढ़ रही होगी। और एक बड़ी जो दिलचस्प बात दीपक हमने यहाँ पर देखी वो ये कि क्वाइन खरीदने वालों की बहुत लंबी लाइन है, मतलब लोग आज के दिन सिल्वर क्वाइन और गोल्ड क्वाइन ये बहुत बड़ी मात्रा में खरीद रहे हैं और 4-4 घंटे लाइन में इंतजार करके क्वाइन खरीदने के लिए खड़े हैं। तो ये ट्रेंड बताता है कि बेशक लास्ट ईयर के मुकाबले गोल्ड का भाव 10,000 रुपए ज्यादा हो, चांदी लास्ट ईयर के मुकाबले महंगी हो, लेकिन उसके बावजूद बाइंग के ट्रेंड में कोई फर्क नहीं आ रहा है। और एक और बड़ी बात दीपक मैं आपको बताऊं जो आमतौर पर लोग चर्चा नहीं करते हैं, मैंने बहुत सारे कस्टमर से बात की, कंज्यूमर से बात की और मैंने पूछा कि 60,000 से ऊपर गोल्ड का प्राइस है, क्या आपको ये प्राइस महंगा नहीं लग रहा है? तो लोग कह रहे हैं कि नहीं, प्राइस 60 के ऊपर है ठीक है, लेकिन अब चूंकि धनतेरस है तो हमें उतना फर्क नहीं पड़ता, कुछ ना कुछ खरीदना है। मतलब गोल्ड वाली महंगाई जो है वो लोगों को बहुत ज्यादा परेशान नहीं कर रही है और लोग किसी भी भाव पर गोल्ड खरीदने को तैयार हैं। इसके पीछे एक बड़ी वजह यह भी है कि जो आगे के आउटलुक है गोल्ड के वो काफी तेजी वाले हैं और सब लोग ये कह रहे हैं कि आगे गोल्ड के दाम बढ़ेंगे, लिहाजा उस उम्मीद में भी बड़ी मात्रा में गोल्ड की खरीद हो रही है। और जब मैं आपसे ये बात कर रहा हूँ कि गोल्ड की खरीद हो रही है तो ये सिर्फ जुबानी बात नहीं है, ये तस्वीर इसकी तस्दीक कर रही है कि वाकई झदरी बाजार जो कि एशिया का सबसे बड़ा ज्वेलरी मार्केट है वहां पर जबरदस्त बाइंग हो रही है और जबरदस्त भीड़ लगी हुई है और लोग बहुत बड़ी मात्रा में गोल्ड की ज्वेलरी की शॉपिंग कर रहे हैं। ज्वेलरी की शॉपिंग करने के पीछे बड़ी वजह यह है कि इस साल 30 लाख शादियां हैं तो शादी के लिए तो ज्वेलरी खरीदनी है, तो क्यों ना धनतेरस का मौका चुना जाए। बिल्कुल बिल्कुल, ये सही बात कही है आपने कि जो लोग महीने दो महीने पहले भी जिन्होंने गोल्ड खरीदने का मूड बनाया था, मन बनाया था, उन्होंने भी उसको कम से कम धनतेरस के लिए छोड़ दिया था कि वो एक शुभ समय होता है जहां पर सोना खरीदना ज्वेलरी खरीदना शुभ होता है। तो जाहिर तौर पर वो जो असर है, वो जो नजारा है, ये इस बात की तस्दीक कर रहा है। और जाहिर तौर पर कल आंकड़े भी आएंगे और वो आंकड़े बताएंगे कि पिछले साल के मुकाबले इस बार किस तरह की बिक्री रही। और हमारा खास कार्यक्रम धनतेरस का त्यौहार धूम मचाते बाजार जारी है और हम अलग अलग शहरों में धनतेरस के आज के मौके का, बाजारों की जो रौनक है उसका सीधा प्रसारण, आपको सीधी तस्वीरें दिखा रहे हैं। हमारे रिपोर्टर सुबह से धनतेरस पर लाइव रिपोर्टिंग कर रहे हैं। एक बार दिल्ली लेकर चलते हैं आपको, दिल्ली में हमारे सहयोगी अनवेश रथ है एक ज्वेलरी शॉप पर, उनसे बात करते हैं। बताइए अनवेश, जैसा कि आपने कई बार हमको बताया, कई बार आप सुबह से रिपोर्टिंग कर रहे हैं, धनतेरस की जो तस्वीरें हैं वो हमको दिखा रहे हैं, अभी मूड माहौल कैसा दिख रहा है आपको? जी दीपक, देखिए सुबह से हम लाइव हैं, लगभग हम दूसरे जगहों पे भी लाइव रहे हैं, उसके साथ साथ इन ज्वेलरी स्टोर्स पे जब हम लाइव आ रहे हैं तो यहाँ पे हमने देखा लगभग 4 से 5 घंटे हो गए हैं इस ज्वेलरी स्टोर पे हमें पहली बार आए हुए। अगर तब से भीड़ की अगर हम माने तो भीड़ यहाँ पे कम नहीं हो रही है, लगातार जो लोग हैं वो यहाँ पे बढ़ते जा रहे हैं, जो यहाँ पे लोग शॉपिंग है वो करने के लिए आ रहे हैं। गोल्ड नहीं, सिल्वर नहीं, डायमंड, हर तरीके की जो ज्वेलरीज होती हैं वो लोग यहाँ पे खरीदने के लिए आ रहे हैं। कस्टमर्स जो हैं उनका ये कहना है कि भले ही गोल्ड की जो प्राइस है वो थोड़ी अपर साइड पे है इस वक्त, लेकिन हम इस वक्त अभी तैयार हैं, हम लोग खरीदना चाहते हैं क्योंकि ये अच्छा एक ओकेजन है, यहाँ पे अच्छा त्यौहार है, दिवाली का मौका है और धनतेरस का मौका है, जिसमें गोल्ड सिल्वर या डायमंड खरीदना एक ऑस्पिशियस मोमेंट माना जाता है। और स्पेशली आज का जो मुहूर्त बन रहा है जिसके वजह से आप जो कुछ भी आज खरीदते हैं वो काफ़ी लंबे अरसे तक आपके साथ रहेगा। हम लोगों ने काफ़ी लोगों से यहाँ पर बात की जो यहाँ पर गोल्ड सिल्वर या ज्वेलरी खरीदने आए थे। एक कस्टमर और है हमारे साथ, मैम आप यहाँ पर क्या खरीदने आई थी और कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस? हम तो बहुत पुराने कस्टमर हैं पीपी ज्वेलर्स के, तो आज हम धनतेरस है, छोटे छोटे झुमके खरीदे हैं, वो पेमेंट करने गए मेरे हस्बैंड, तो धनतेरस के लिए छोटे छोटे झुमके। मैम अगर देखा जाए तो जो रेट है सोने का इस वक्त थोड़ा ऊपर की तरफ है, 10,000 लगभग ज़्यादा है, तो उसको आप किस तरीके से देखती हैं, फिर भी आप यहाँ पे शॉपिंग कर रही हैं अभी? कि सोने की क्वालिटी हो सकता है अच्छी हो इसलिए शॉपिंग यहाँ करें, क्योंकि हम तो शुरू से यहाँ से लेते हैं तो हमें अच्छा रहा है।
जी दीपक, जैसे कि यहाँ पे लोगों से अगर बात करें तो वो लोग यही कह रहे हैं कि जो भले ही पेमेंट अभी ज्यादा हो, कॉस्ट थोड़ी ज्यादा हो, अपर साइड पे हो, लेकिन यहाँ पे जो एक्सपीरियंस है, जो ऑस्पिशियस मोमेंट है, उसके वजह से लोग गोल्ड खरीदना चाह रहे हैं और उसी के वजह से जो आप भीड़ देख रहे हैं वो वक्त के साथ साथ बिल्कुल भले ही पिछले साल के मुकाबले भाव जो हैं वो ऊपर हैं, करीब 10,000 ज्यादा भाव हैं, उसके बावजूद भी लोगों का जो उत्साह देखने को मिल रहा है ज्वेलरी मार्केट में वो बड़ा लाजवाब है। एक बार फिर से मुंबई चलते हैं, हमारे सहयोगी मृत्युंजय हैं और मृत्युंजय लोगों से बात कर रहे हैं, जो खरीदार हैं, जो ग्राहक हैं, उनका किस तरह का रिएक्शन है आज धनतेरस को लेकर, खरीदारी को लेकर, वो जानने की कोशिश कर रहे हैं। बताइए मृत्युंजय। बिल्कुल दीपक, देखिए मैं आपको, ये क्लाइमेक्स है, ये ज्वेलरी शॉपिंग का क्लाइमेक्स है जो मैं अभी आपको दिखा रहा हूँ। आप देखिए, आपको एम्बियंस के जरिए ये समझ में आ रही है। ये देखिए, ये जद्दोजहद, ये पूरी जद्दोजहद गोल्ड क्वाइन, सिल्वर क्वाइन खरीदने की हो रही है। धनतेरस की नहीं देखी होगी जो हम आपको दिखा रहे हैं, ये जद्दोजहद हो रही है गोल्ड क्वाइन खरीदने की, और चार चार घंटे से लोग लाइन में लगे हैं। ये पूरी जद्दोजहद हो रही है गोल्ड क्वाइन खरीदने की, सिल्वर क्वाइन खरीदने की। क्या जबरदस्त क्रेज है जवेरी बाजार से क्वाइन खरीदने की। ये देखिए, बहुत सारे लोग यहाँ पर हमारे साथ जुटे हैं। क्वाइन खरीदने के लिए इतनी लंबी लाइन क्यों लगा रहे हो भाई? पूजा करने के लिए लाते हैं आज के दिन। कितने घंटे से खड़े हो? आधा घंटा हुआ है। आधा घंटा। ये आप कॉइन खरीदने आए हैं जी? क्या, कौन सी कॉइन लेंगे? ज्वेलर, सिल्वर, सिल्वर, सिल्वर कॉइन जी सर। तो लाइन में लग गया, किसी और दुकान से क्यों नहीं ले लिया? नहीं, यही दुकान स्टार्टिंग से, पहले से यहीं से ले रहे। अच्छा जी, इसीलिए यहाँ पे आया जी। अच्छा अच्छा, इस तरह की भीड़ है। आप देखिए मैडम, आप भी आई है, आप कब से लाइन में खड़ी है? बात नहीं करना चाह रही है। आप देखिए गजब, आप क्या लेना है? सिल्वर कॉइन। सिल्वर कॉइन, कहीं और से लेने दे, इतनी भीड़ में क्या जरूरत थी? नहीं, नहीं, चाहे कितना भी, दो घंटा लगे, चार घंटा लगे, यही लेना है। नारायण दास, अब तक कोई फायदा हुआ है यहाँ से? आपने कॉइन खरीदा है, कुछ हुआ है कोई आपके साथ? वो ऊपर वाला देखता है। अच्छा, आप बताइए, ये क्लाइमेक्स तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जबरदस्त भीड़ है यहाँ पे। आप देखिए पीछे से कुछ लोग बुला रहे हैं, मतलब ये लाइन में खड़े हैं, लेकिन इनको कोई दिक्कत नहीं है। ये परेशान होएंगे, क्यों परेशान हम लोग होएंगे? एक घंटे से लाइन में खड़े हैं। अच्छा, लेकिन कुछ है फायदे तभी खड़े ना हम लोग। फायदा है, क्या फायदा है वो तो सब आप लोग, आप लोग तभी आपको पता चलेगा। आप नहीं, अच्छा है, बहुत पुरानी दुकान है, इस वजह से हम लोग यहाँ पे बहुत सालों से यहाँ से मृत्युंजय, मैं समझना चाहूंगा आपसे कि आंकड़ा क्या कहता है, जिस दुकान पर चार चार घंटे की लाइन लगी हुई है, इस चार घंटे में लोग, जो दुकानदार है, वो कितना स्टॉक रखते हैं, पिछले साल इन्होंने कितना बेचा था, इस बार इनकी कितनी उम्मीद है बेचने की, कुछ डेटा बताइए, कितना उन्होंने पिछले साल बेचा, इस बार की क्या कुछ उम्मीद है? मृत्युंजय, आपको मेरी आवाज आ रही है? मैं जानना चाह रहा हूं कि जिस दुकान पर इतनी लंबी लाइन है, जिस दुकान पर इतनी लंबी लाइन है, चार चार घंटों से लोग इंतजार कर रहे हैं गोल्ड क्वाइन और सिल्वर क्वाइन खरीदने के लिए, इन्होंने पिछले साल कितना सोना और चांदी बेचा था, और इस बार क्या कुछ उम्मीद कर रहे हैं? ये आपने बड़ा अच्छा सवाल पूछा, और देखिए ये इसका जवाब तो शायद कोई कस्टमर यहाँ पे शायद ना दे पाए, को ये नहीं मालूम हो कि भाई क्या, लेकिन हमारे साथ ऐसे एक्सपर्ट हैं जो इंसाइक्लोपीडिया है ज्वेलरी इंडस्ट्री के, गोल्ड इंडस्ट्री के। मेहता जी हमारे साथ लगातार है सर, हमारे एंकर ये पूछ रहे हैं कि भाई इतनी लंबी लाइनें लगी हुई हैं, तो ऐसा क्या है, मतलब कितना क्वाइन ये बेचते होंगे, कोई अनुमान के मुताबिक आपका कितनी क्वाइन? ये एस्टिमेट तो करना बहुत मुश्किल है, लेकिन मैं आपको इतना जरूर बता सकता हूँ कि पूरे देश में लगभग 8,000 टन सिल्वर बिकता है। 8,000 टन सिल्वर बिकता है और लगभग 1,000 टन सोना बिकता है। हाँ। तो मेरे ख्याल से कहीं ना कहीं और इस तरह की लाइनें लगकर ही वो बिकता होगा। अच्छा। तो ये डेफिनेटली ये शगुन है, और ये शगुन के लिए लोग कुछ भी पैसा देने को तैयार है, चार चार घंटे, पांच पांच घंटे लाइन में खड़े रहने को तैयार है, और ये हर धनतेरस, हर दिवाली पर यही सीन जवेरी बाजार में होता है। बताइए, ये एक तरह से आप ये समझिए दीपक, जो बात मेहता जी कह रहे हैं कि 800 टन, आप समझिए कितना बड़ा अमाउंट ये बता रहे हैं कि बिक्री होती है। तो मतलब जब ये भीड़ यहाँ पे है, तो ये कहीं से ये नहीं लग रहा कि ये ज्वेलरी की शॉपिंग हो रही है। ये जो मंदिर में जब आप देखते हैं कि बहुत जमावड़ा होता है, जो भीड़ होती है, या जब टिकट काउंटर पर एक जमाने में भीड़ हुआ करती थी, या जब कहीं आप किसी सब्जी मंडी में जाते हैं भीड़, उस तरह की भीड़ यहाँ पर दिख रही है। तो आप अंदाजा लगाइए कि क्या शॉपिंग हो रही है ज्वेलरी की इस धनतेरस पे। बिल्कुल, ये तस्वीरें बता रही हैं कि क्या शॉपिंग हो रही है, क्या उत्साह है लोगों में, कि चार चार घंटे लाइन लगने के बावजूद वो उसी जगह से खरीदने के लिए तैयार हैं, क्योंकि शायद
उन्हें लगता है कि उस दुकान से कुछ शुभ उनको हर साल मिलता है, कुछ समृद्धि मिलती है, कुछ प्रसिद्धि मिलती है, या जो भी है ओवरऑल उनका मानना है, और शायद इसी वजह से हर साल वो उस दुकान पर पहुंचते हैं। ऐसी अपनी अपनी मान्यताएं हैं, लोग अलग अलग शहरों में अलग अलग जगह से खरीदारी करते हैं, किसी का भाग्य कहीं से जुड़ा है और वहीं से खरीदारी करता है, ऐसा ही कुछ नजारा हमने दिखाने की कोशिश की। बहुत शुक्रिया करेंगे मृत्युंजय आपका, बहुत शुक्रिया एकता आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, बहुत शुक्रिया अनुवेश और सौरभ आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और ग्राउंड रियलिटी बताने के लिए धनतेरस के इस खास मौके पर। तो इसी के साथ शो समाप्त करते हैं और आपको भी हमारे दर्शकों को भी धनतेरस की ढेर सारी शुभकामनाएं। इस दिवाली आपके घर में लक्ष्मी पधारें, समृद्धि पधारें और आप शुभ ही शुभ करें। धन्यवाद।